हाय दोस्तों, आई थिंक आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत ही अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं। सभी लोग तो कलरफुल डिस्प्ले यूज करते हैं, बट कुछ देर के लिए अगर आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं और अगर कोई भी उसे देख लेता है ना, तो वो चौंक जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने किसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखा होगा। वो आपको पूछेगा, यार ये कैसे किया तूने, स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गई। आप चाहें तो थोड़ी बहुत मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी बहुत शरारत कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको ये सेटिंग आ जाता है ना, तो कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस की डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं और कुछ देर के बाद आप कलरफुल भी बना सकते हैं। तो ये आपके हाथ में होगा और कोई कितना भी ट्राई करेगा ना, तो उसे ये नहीं होगा जब तक उसे इस सेटिंग के बारे में नहीं पता। तो ये काफी मजेदार सेटिंग है, तो आप इसे सीख लीजिए, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खास करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ऑन होगा ना, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीचर्स आपको सभी एंड्रॉइड डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, चाहे आप सैमसंग, वीवो, ओप्पो या फिर एमआई का फोन यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन की डिस्प्ले कलरफुल है, यहाँ पर सारे आइकॉन जो है वो कलरफुल है। अब सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना होगा और डेवलपर ऑप्शन को अनलॉक करना होगा। कई सारे ऐसे एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं जिसमें डेवलपर ऑप्शन लॉक होता है, तो उसे अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना है अपने स्मार्टफोन के सिस्टम में या फिर अबाउट फोन में। अबाउट फोन आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल आप अपने स्मार्टफोन के अबाउट फोन में जाइए और यहां पर जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर ढूंढना होगा, ये रहा बिल्ड नंबर, और यहां पर बिल्ड नंबर पर आपको कंटिन्यू क्लिक करना होगा 13 से 14 बार। इसके बाद आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो चुका है। अब इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बार डेवलपर ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, इसके बाद आपको बार बार अनलॉक नहीं करना होगा। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, नीचे की तरफ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अब आपको जाना है सिमुलेट कलर स्पेस में। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, फिलहाल डिसेबल है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मोनोक्रोमेसी, तो सिंपल है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते बूम, आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो इस तरह का सेटिंग अगर आप अपने दोस्तों के स्मार्टफोन में भी कर देते हैं तो वो भी चौंक जाएंगे, वो भी सोचते रह जाएंगे कि कैसे स्मार्टफोन की डिस्प्ले को कलरफुल किया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये सेटिंग यहाँ से ऑफ किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी कई तरह के तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे आप ब्लू और येलो कलर को हाईलाइट कर सकते हैं या फिर रेड और ग्रीन को डिसेबल कर सकते हैं, रेड और ग्रीन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह से जो है वो अपने डिस्प्ले का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।